भाई हमने अपने नए फार्म का काम कहाँ पे शुरू करना है, तो आप देखने के लिए तैयार हो? 3, 2, 1। और भाई जब एक बार यहाँ पे डेयरी शेड अपना बन जाएगा ना, उसके बाद जो यहाँ का लुक आएगा वो नेक्स्ट लेवल आएगा भाई। बहुत जगह यार, उससे तो डबल जगह है, मतलब ये एक खुद ही डबल जगह है। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस के एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हैं हमारे गिर गायों का फार्म। भाई जिस पल का हमें सबसे ज्यादा इंतजार था वो पल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारे नए फार्म का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखो हमारे साइड में कौन है, यहाँ पे हमारी सुमन है। और चलिए भाई आप आपको हमारे फार्म की लोकेशन दिखा दे, पर उससे पहले इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबाएं और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें। और साथियों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बहुत ही बेहतरीन ऐप के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। क्या आप अपने पालतू जानवरों और अपने पशुओं की सेहत को लेकर चिंतित हैं? अब समय आ गया आप इस चिंता को दूर करें, मिलिए डॉक्टर पशु ऐप से, जो कि लेकर आए हैं ऑनलाइन वेट कंसल्टेशन का नया युग। और डॉक्टर पशु भारत के अंदर पशु चिकित्सा सेवा को क्रांति के साथ में पेश कर रहा है, जो हर एक पशुपालक के लिए सरल और काफी ज्यादा किफायती है। और आप डॉक्टर पशु ऐप से योग्य और अनुभवी वेटनरी डॉक्टर से मात्र 149 रुपए में घर बैठे परामर्श ले सकते हैं। चाहे आप गांव में हो या शहर में हो, डॉक्टर पशु ऐप से विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना बहुत आसान हो गया, और बस एक क्लिक से वीडियो कॉल करें और तुरंत पाए समाधान। और यह ऐप के अंदर AI पावर्ड डायग्नोसिस फीचर है, जो आपको प्रारंभिक बीमारी की पहचान में मदद करता है, और इससे डॉक्टर को सही फैसला लेने में बहुत आसानी होती है। और डॉक्टर पशु ऐप की खास विशेषता यह है कि बड़ी आसानी से आप कॉल पे कंसल्टेशन कर सकते हैं, और इतना ही नहीं आप घर बैठे वेटनरी डॉक्टर से चैट भी कर सकते हैं। और इस ऐप की सबसे खास बात है कि यह 11 भाषाओं के अंदर अवेलेबल है। और डॉक्टर पशु ऐप ने पशु चिकित्सा सेवाओं को न केवल आसान बनाया बल्कि काफी किफायती भी बना दिया है, ताकि हर कोई अपने प्यारे जानवरों की देखभाल कर सके। दोस्तों डॉक्टर पशु ऐप से मुझे काफी ज्यादा मदद मिली है। पिछली रात मेरी गाय को फूल निकलने की समस्या आ गई थी, जिसका समाधान मुझे घर बैठे ही डॉक्टर पशु ऐप से मिल गया। डॉक्टर पशु ऐप, आपके जानवर की देखभाल कहीं भी कभी भी। दोस्तों आज ही डॉक्टर पशु ऐप डाउनलोड करें, अपने पालतू जानवरों और पशुओं की बेहतरीन देखभाल शुरू करें केवल 149 रुपए। चलो भाई चलते हैं, न्यू फार्म की लोकेशन आपको दिखाते हैं कि भाई कहाँ पे अपना नया फार्म बनने वाला है। आप सभी रेडी हो ना भाई, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे देखो भाई, ये है जहाँ पर हमारी सारी गाय रहती है ना दिन में, और एक फार्म हमारा वहाँ पर है। ये तो आपने देख ही रखा होगा आप। भाई हमने अपने नए फार्म का काम कहाँ पे शुरू करना है, तो आप देखने के लिए तैयार हो? 3, 2 और 1। ये देखो भाई भाई इतनी जगह यहाँ पे हमने, आप देखो यहाँ पे हमने इसका लेवल कर दिया है, और काफी ऊपर इसकी हाइट उठा दी है। भाई इस साइड से मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ यहाँ से मैं जा सकता हूँ, क्योंकि भाई आपने देखा होगा ना इस साइड था हमारा खेत। खेत तो अभी भी है, पर भाई जो ये खेत था ना, इसमें हमने अच्छी मिट्टी डाल के भाई इसकी हाइट बहुत ऊंची कर दी है। पहले मैं चढ़ता हूँ ऊपर की साइड में और फिर आपको सारी लोकेशन दिखाता हूँ। देखो मेरी सारी गैया भी मुझे यहाँ से देख रही है। ये देखो भाई मोहिनी देख रही है। भाई ये इस साइड से कहाँ निकल गए? तो भाई यहाँ पे देखो, मैं आपको पूरी लोकेशन समझाता हूँ कहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे अपनी गौशाला एंड हो जाती थी, आपने देखा ही होगा, वहाँ से यहाँ तक हमारी गौशाला एंड हो जाती है। और ये देखो ये देखो ये देखो भाई, हमने क्या किया, इधर ही हमने अच्छी मिट्टी डाल के भाई इसका लेवल इससे भी बहुत ऊपर कर दिया। भाई आप देखो, मैं यहाँ पे हूँ और भाई आप लेवल देखो, आप ये देखो। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, इतना लेवल हमने यहाँ से उठा दिया है। ये देखो तो भाई, अब हमारी सारी गैया के लिए बहुत सारी जगह निकलने वाली है। ये देखो यहाँ से भी हमने सीधा रास्ता कर दिया है कि हम यहाँ से आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे हमारे दो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, 4-5 पेड़ थे जो कि नींबू के थे, तो वो हमें यहाँ से निकालने पड़े, क्योंकि फिर वो यहाँ पे दब रहे थे, तो इसलिए हमने उनको हटा दिया। और वैसे भी वो नींबू वो नहीं थे, मतलब जो संतरा और नींबू का जो क्रॉस रहता है ना, वो वाले नींबू थे वो, तो वो हमने यहाँ से हटा दिया। और भाई अब मैं कहाँ तक आ गया हूँ, यहाँ पे देखो इस जगह तक आ चुका हूँ एंडिंग में। तो यहाँ से भाई अब चलते हैं इस साइड। भाई बहुत जगह निकलेगी यार, ये देखो यहाँ तक हम आ चुके हैं। ये देखो जहाँ पे हमारी गाय चरने के लिए जाती थी ना इस साइड से, ये इतनी जगह, ये देखो। और भाई ये जगह देखो यहाँ से आप, भाई बहुत जगह है यार, उससे तो डबल जगह है, मतलब ये एक खुद ही डबल जगह है। ये देखो, और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। भाई इधर से आपको समझ में आएगा कि हमने कितना लेवल किया है ना। ये देखो ये खेत है अपना, और यहाँ से आप देखो भाई, अब लग रहा है ना कितना लेवल लिया है। ये देखो, ये देखो भाई बहुत हाइट करी है यार, बहुत हाइट है। आप देखो मेरे पीछे, मेरी हाइट से आप थोड़ा सा कंपेयर अब कर पाओगे कि कितना हमने यहाँ पे लेवल उठाया है। और इस साइड से भी मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखा देता हूँ कि इस साइड से भी ऐसा ही सेम है। ये देखो,
तो भाई ये मतलब एक कह सकते हो कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं इसे पूरे अपने हिसाब से बनवाऊंगा। तो ये था भाई, और बहुत खुशी हो रही कि जब ये काम हो रहा है, क्योंकि हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो समय आएगा जब यहाँ पे हम मिट्टी डाल के इसका लेवल ऊपर करेंगे और फिर यहाँ नए शेड की तैयारी करना शुरू करेंगे। बहुत टाइम लग गया था भाई, बहुत टाइम। और यहाँ पे भी अभी आप देखो, हमने थोड़ी बहुत नीम की जो हमारी डाले थी ना, वो थोड़ी हमने काट दिए ताकि यहाँ पे हमें आने जाने के लिए आसानी रहे। ये देखो, तो भाई ये भी हमने काट दिया है, और यहाँ पे हमारी ट्रॉली रखी हुई है भाई, ये देखो। और भाई बहुत हाइट आई है यहाँ से आप देखो, क्योंकि ना हाइट इसलिए हमने इतनी अच्छी इसलिए करी है क्योंकि एक तो ये हाइट थोड़ी सी कम होने वाली है, क्योंकि बारिश होगी ना तो थोड़ा सा बैठेगा, इतना भी नहीं बैठेगा पर थोड़ी बहुत हाइट इसकी नीचे जाने वाली है। प्लस सबसे मेन जो दिक्कत थी वो थी नदी की। आप जो ये जगह देख रहे हो ना भाई, यहाँ सामने से पानी आता है, सामने से, और फिर ऐसे होके नदी में चला जाता है। भाई नदी पास में ही है तो इसलिए हमें ये हाइट थोड़ी ऊंची इसकी लेनी पड़ी। और भाई जब एक बार यहाँ पे डेयरी शेड अपना बन जाएगा ना, उसके बाद जो यहाँ का लुक आएगा वो नेक्स्ट लेवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो हाइट ज़्यादा होने वाली है, और भाई यहाँ पे हवाएं भी इतनी ज़्यादा चलती है, क्योंकि भाई इस साइड पेड़ बहुत ज़्यादा दूर है, इस साइड तो बहुत सारी चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से हवा रुक रही थी भाई, बट यहाँ पे जो हवा का सर्कुलेशन रहेगा वो नेक्स्ट लेवल रहेगा भाई। अभी मैं यहाँ पे हवा महसूस कर पा रहा हूँ कि कितनी हवा यहाँ पे आएगी। प्लस एक चीज़ और यहाँ पे सबसे खास होगी, वो होगी यहाँ पे पार्टीशन, अलग अलग गायों का अलग अलग पार्टीशन हम करने वाले हैं, जैसे कि मेरे हिसाब से मैं करने वाला हूँ। जैसे बछड़ों का तो हम अभी भी अलग रख रहे हैं, उसके बाद में बछड़ियों का भी अलग रख देंगे इस वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो शेड बनने वाला है वो बनने वाला है भाई मॉडर्न शेड। जी हाँ दोस्तों, इसमें अभी हम जितना भी करेंगे ना वो सारा कुछ मॉडर्न ही करने वाले, क्योंकि एक बार कर रहे हैं तो अच्छा ही करें। और यहाँ पे भी हम करने वाले थे, पर भाई यहाँ पे लोकेशन की कमी आ रही थी। एक तो यहाँ पे जो जगह थी ना भाई, पास में से जा रहा था रास्ता, तो एक सरी की यहाँ पे जगह आ नहीं रही थी। दूसरी जो सबसे बड़ी यहाँ पे थी, मतलब जो थी वो सबसे ज़्यादा था कि भाई इसका लेवल बहुत कम था, तो भाई जब भी पानी आता था ना, एक बार भाई पानी यहाँ से चला गया था, क्योंकि यहाँ पे मतलब वहाँ से पानी आता था जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ से पानी निकलता था भाई, तो इसीलिए यहाँ पे हमने शेड नहीं बनाया, और फिर जगह भी कम पड़ रही थी और पार्टीशन भी नहीं हो पा रहा था। तो भाई यहाँ पे हम अपना बहुत बढ़िया और बहुत शानदार शेड बनाएंगे, जो कि बहुत मतलब कह सकते हैं जल्दी बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे भी अभी हमें देखना पड़ेगा कि एक बार ये इसका जो लेवल है वो सही हो, और भाई यहाँ से हम निकल जाते हैं अब सीधा। हाँ, तो एक बार भाई इसका थोड़ा सा मतलब जम जाए, ये पूरा मिट्टी जो है वो जम जाए, उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ा सकते हैं। और भाई बहुत खुशी हो रही, क्योंकि अपने फार्म पर अब नया शेड बनने वाला है, नया डेयरी फार्म अपना बनने वाला है, तो बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पे हमारे बछड़ों को भी इस वाली जगह पे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनके लिए भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी जगह निकलने वाली है। अभी तो हमारे सारे बछड़े यहाँ पे आराम से मस्ती करते रहते हैं, और भाई जब वहाँ पे हो जाएगा तो भाई देखो वो बगलिनो वहाँ पे है, और भाई मुझे देख भी नहीं रहा, यहाँ पे हमारे बछड़े तो सारे आ गए। चलो भाई थोड़ा सा बगलिनो की नज़र में हम आते हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं कि भाई वो हमें देख के या मेरी आवाज़ सुन के क्या करता है। भाई उसकी आँखें तो बंद है यार, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। बगली बगली देखो 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 वो देखो ये रहा, ये रहा। दिख रहा है आपको? हाँ, बगली बगली देखो भाई, नाम लेते ही उसका मुंह ऊपर हो जाता है भाई, नाम लेते ही उसका मुंह ऊपर। और यहाँ पे हमारी सारी गैया तो आराम कर रही है भाई, कुछ कुछ खा रही है, बाकी तो देखो भाई आनंद आई है अभी खाने के लिए। तो भाई सारी गायें बहुत आराम से आराम कर रही है, और इधर वो सोचती होगी कि भाई ये इस साइड ये क्या चल रहा है, इस साइड ये क्या चल रहा है। अरे भाई ये जो भी हो रहा है सब इनकी वजह से ही हो पा रहा है, मतलब हम जो भी कर पा रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, ये इनकी वजह से ही, मतलब ये हम सोच भी नहीं सकते थे एक समय पर कि ऐसा भी हम शेड बना सकते हैं। और भाई जो शेड बनेगा वो नेक्स्ट लेवल बनेगा, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो मैं पूरी तरह मतलब मेरे दिमाग से उसको डिज़ाइन कराने वाला हूँ, तो अब देखेंगे भाई। और यहाँ से जो लोकेशन मिलेगा ना भाई, वैसे तो यहाँ से भी बहुत अच्छा मिलता था भाई, पर जब यहाँ से लोकेशन देखने को मिलेगी, जब अपनी यहाँ पे अपनी गैया रहेगी, तो मैं तो वो व्यू सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या व्यू निकल के आएगा भाई। बहुत प्यारी लोकेशन है यार, चारों साइड अगर आप देखोगे ना, इस साइड भी आप देखो पेड़ पौधे, इस साइड आप देखो वहाँ तक पेड़ पौधे, क्योंकि इस वाली पूरी लाइन में पेड़ पौधे पापा ने लगा रखे हैं, और यहाँ से हम अपनी सारी खेती को भी देख पाएंगे। ये देखो भाई, तो काफ़ी अच्छी हाइट निकल के यहाँ पे आ गई है, बस अब शेड का है कि वो काम जल्दी हो जाए, ताकि जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से हम कर पाएँ। बाकी आप मुझे सजेशन ज़रूर से देना कमेंट के अंदर
कि मुझे कैसा शेड बनाना चाहिए या फिर आपने कैसा बना रखा है और आपको क्या लगता है कि मुझे कैसा शेड बनाना चाहिए, तो वो सारे सजेशन आप मुझे कमेंट में देना। भाई मेरे चेहरे पे आप देख पा रहे हो कि कितनी खुशी मुझे इस शेड को लेके हो रही है, क्योंकि भाई मतलब कह सकते हैं ना कि यार मैं बड़े बड़े फार्म पे गया हूँ, जब पर अपना फार्म जब बनता है चाहे छोटा ही क्यों ना बने खुशी दिल से होती है, आपको ये बात पता होगी। तो अपने फार्म की एक बात ही अलग होती है यार, अपने अपने हिसाब से जो बनाते हैं और अपनी गैया जब उस शेड में रहती है तो बहुत खुशी होती है। बाकी आप मुझे बताना कि इसका शेड हमें कैसे बनाना चाहिए। और भाई व्लॉग पसंद आया हो तो ढेर सारा शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।